स्वागत आप सभी का हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स पे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10 की जो संस्कृत की पाठ पुस्तक है उसका जो पहला चैप्टर, जो कि आप सभी को पता होगा मंगलम। आज इस मंगलम के हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे और एक वीडियो हम लेकर आएंगे सब्जेक्टिव का। तो फिलहाल हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर मंगलम से, तो आज सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर हमारा ये वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए दो साथियों, पहला क्वेश्चन की अगर बात करें देखिए अगर पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी में है महर्षि वाल्मीकि जी, ऑप्शन सी में है महर्षि वेद व्यास और ऑप्शन डी में है कालिदास। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उपनिषद की रचनाकार की अगर बात करें तो कौन है? महर्षि वेद व्यास। यानी उपनिषद का रचनाकार कौन किया है? महर्षि वेद व्यास। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो की अगर बात करें हम मेरे प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ये जो आपकी जो ये मंगलम पाठ है, जो कि शीर्षक ही मंगलम है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी में है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी में है महर्षि वेद व्यास और ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, मंगलम के रचनाकार ये है महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है मेरे साथियों, कह रहा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। मंत्र का मतलब हुआ आपका जो मंगलम पाठ है उसमें कितने श्लोक है, मतलब श्लोकों की संख्या कितनी है। क्या 10 है, क्या 8 है, क्या 5 है, क्या 7 है? ये आप लोग कमेंट कीजिए कितनी है, चलिए कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है या 5 श्लोक है, मंगलम पाठ में 5 श्लोक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार में देखिए कहता है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर चार में कह रहा है कि अणु से छोटा कौन है। अणु से छोटा कौन है? क्या आकाश है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है और एक ऑप्शन नीचे में होगा। नीचे में देखिए क्या है, और नीचे में है संसार। क्या है? संसार। तो आप लोग सॉरी एक मिनट, नीचे में संसार है। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है देख लीजिए, आत्मा। क्या है? अणु से छोटा कौन है? आत्मा है। अणु से छोटा कौन है? आत्मा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच में कह रहा है, किसकी जय होती है, किसकी जय होती है? क्या सत की होती है, असत की होती है, क्रोध की होती है, मोह की होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी सत की जय होती है। क्या होती है? सत की जय होती है। और झूठ की क्या होती है? झूठ की मतलब झूठ की पराजय होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर छः। छः में कह रहा है मेरे साथियों, छः में कहता है कि बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती हैं। बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? ये जो श्लोक लिया गया है ये 5वां श्लोक जो है मेरे साथियों, यथा नद चंदमाना नाम अस्तुरे, वहाँ से लिया गया है। तो कह रहा है
कि बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? क्या सरोवर में मिलती है, क्या नदी में मिलती है, क्या समुद्र में मिलती है, या तालाब में मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बहती हुई नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ? समुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, कहता है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? क्या तत्व स्थित है, शरीर स्थित है, देवता स्थित है, या राक्षस स्थित है? बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तत्व। जंतु के हृदय में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में एक तत्व स्थित है। क्या स्थित है? एक तत्व स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, मतलब किस श्लोक में ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है ईशा वाक्योपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है श्वेताश्वर, और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में है, मुंडकोपनिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका ये डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहा है मेरे साथियों, 9 में कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? क्या सत्य से प्राप्त होता है, क्या असत्य से प्राप्त होता है, क्या क्रोध से प्राप्त होता है, या मोह से प्राप्त होता है? चलिए बताइए किससे प्राप्त होता है, मतलब देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, दस में देख लीजिए, कह रहा है, कहता है सत्य कहाँ से प्राप्त होता है? सत्य कहाँ से प्राप्त होता है? क्या पृथ्वी लोक से प्राप्त होता है, क्या नरक लोक से प्राप्त होता है, क्या देव लोक से प्राप्त होता है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथी हूँ ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी, यानी सत्य देवलोक से, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक प्राप्त होता है, सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, मनुष्य को वश में कौन कर लेते हैं? यानी मनुष्य को वश में कौन कर लेते हैं? अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ मूर्ख है, अज्ञानी है, विद्वान है, कोई नहीं है। तो चलिए बताइए मनुष्य को वश में कौन कर लेते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्वान। मनुष्य को, सॉरी मनुष्य नहीं, मृत्यु लिखा हुआ है, माफ करें। तो मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो विद्वान, मतलब विद्वान मृत्यु को वश में कर लेते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन अगर 12 की बात करें तो 12 में कह रहा है, किसकी जय नहीं होती है? यानी किसकी जय नहीं होती है? इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत, असत की जय नहीं होती है और सत की जय होती है। इसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कह रहा है, और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसका बी हो जाएगा, असत हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तेरह में कहता है मेरे साथियों, देखना था जो, देखिए 13 में कह रहा है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? क्या स्व विषय का किया गया है, या परम पुरुष का किया गया है, या पर पुरुष का किया गया है, या देव पुरुष का किया गया है, या परम पुरुष का किया गया है?
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी परम पुरुष का महिमा का वर्णन किया गया है उपनिषद में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है मेरे साथियों, कहता है उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, क्या 109 है, 108 है, 115 है, 111 है। ये कमेंट कीजिए कितनी है, उपनिषद की संख्या कितनी है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, उपनिषद की संख्या 108 है। कितनी है इसकी संख्या, 108 दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि किसी किसी गाइड में 105 भी है, तो आप लोग इसको 108 सही मानिएगा। ठीक है, कितनी संख्या है, उपनिषद की संख्या 108 है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अगर 15 की बात करें तो 15 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है मेरे साथियों, कह रहा है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, मतलब आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है, क्या कंठोपनिषद में किया गया है, ईशा वाक्योपनिषद में किया गया है, श्वेताश्वर में किया गया है, या मुंडकोपनिषद में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसमें, कठोपनिषद में किया गया है। किसमें किया गया है, इसका वर्णन कठोपनिषद में किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें मेरे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है कठोपनिषद में, दूसरा ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद में, तीसरा ऑप्शन है श्वेताश्वर में, और चौथा ऑप्शन की अगर बात करें तो चौथा ऑप्शन आपको हो जाएगा मुंडकोपनिषद में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी परमात्मा की महिमा का वर्णन जो किया गया वो ईशावास्योपनिषद में किया गया। ठीक है, ईशावास्योपनिषद में किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो 17 में कह रहा है मेरे साथियों, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है, मतलब किस श्लोक में ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर बताया गया है। तो इसका जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कठोपनिषद, बी में है ईशावास्योपनिषद, सी में है श्वेताश्वर, और डी में है मुंडकोपनिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, श्वेताश्वर में, मतलब श्वेताश्वर श्लोक में जो है ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर बताया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, सत का मुख किससे ढका है, सत का मुख किससे ढका है, सत का मुख किससे ढका है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन में दिया हुआ है तांबा से, चांदी से, लोहा से, हिरण्य पात्र से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिरण्य पात्र से। ये पहला श्लोक से लिया गया, हिरण्यमयन पात्र ने सतस पी मुखम, वहाँ से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिरण्य पात्र से सत का मुख ढका हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, सत्य का खजाना कहाँ है, क्या कह रहा है, सत्य का खजाना कहाँ है, क्या देवलोक में है या नरक लोक में है, सॉरी पृथ्वी लोक में है, नरक लोक में है, देवलोक में है, या कोई नहीं, तो बताइए कहाँ छिपा हुआ है। तो सत्य का जो खजाना है वही मेरे साथियों, ये देवलोक में, कहाँ है ये सत्य का खजाना, देवलोक में है। ठीक है, देवलोक में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, और यहाँ से क्वेश्चन समाप्त होती है दोस्तों। तो ये जो 19 क्वेश्चन है, तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर एक भी नहीं आए क्वेश्चन आएगा। तो एक वीडियो हम इसके सब्जेक्टिव पे बनाएंगे, लगभग सब्जेक्टिव में लगभग 10 क्वेश्चन होंगे और 10 का व्याख्या हम करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो डाले तो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।